मंत्री महोदया कह रही हैं कि ये राज्य सरकार की काम है। अरे ये तो चीनी मिल को केंद्र सरकार के अधीन है। एक एक साल से दो दो साल तक किसान मिल का प्रबंधक का चक्कर चक्कर काटते रहते हैं महोदय। दुर्भाग्य से सिर्फ ये लगता है कि माननीय महिपाल जी शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में ही रहते हैं। फिर नासमझी से आंकड़ों को हेर फेर कर रहे। ये बकवास शब्द हटाइए, हटाइए बकवास शब्द, हटाइए बकवास शब्द, नहीं कह सकता ये बकवास शब्द, नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 63, महाबली सिंह। आजादी के बाद बिहार में 35 चीनी मिले काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे 26 चीनी मिले एक एक करके बंद हो गई। मात्र बिहार में अभी 9 चीनी मिले काम कर रही है महोदय। हम माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहते हैं कि जो चीनी मिलें बिहार में बंद हैं, क्या उस चीनी मिलों को आप चालू करना चाहती हैं? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि ये चीनी मिल लगाना केंद्र सरकार का विषय नहीं है, इसमें 1998 में एक विषय आया था जिसमें इसको बाहर कर दिया गया था। बिहार में सदस्य ने स्वीकार किया है, राज्य सरकारें या लगाने वाले जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं, केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग के लिए इतना बहुत बड़ा अभी हाल में काम करने की बात कही है, और माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं कि ये राज्य सरकार की काम है। अरे ये तो चीनी मिल को केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार को काम में करनी है, तो ये जो बंद चीनी मिले हैं इसको केंद्र सरकार क्या चालू करने का विचार नहीं रखती? और दूसरा मेरा अनुपूरक प्रश्न है महोदय कि जो किसान जो है ये गन्ने का उत्पादन महोदय बहुत परिश्रम से करते हैं, चाहे बिहार का सवाल हो चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल हो, और उनका उत्पादन का सही मूल्य और समय पर उनका भुगतान नहीं होने के चलते एक एक साल से दो दो साल तक किसान मिल का प्रबंधक का चक्कर काटते रहते हैं महोदय। तो क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है जो किसानों का भुगतान सही समय पर मिल सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत अहम सवाल उठाया और बहुत अच्छा सवाल है कि देश में आज क्या परिस्थिति और पहले क्या परिस्थिति थी। दुर्भाग्य से सिर्फ ये लगता है कि माननीय महिपाल जी शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में ही रहते हैं। महाबली सिंह जी शायद इतिहास के पन्नों में ही हैं, उन्हें ध्यान नहीं है कि गत 10 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। चीनी मिलों में आज से 10-12 साल पहले कैसे गन्ना किसानों को तकलीफ होती थी, सही मूल्य का भुगतान समय पे नहीं होता था, सड़कों पे हाईवे पे आके उनको आंदोलन करना पड़ता था अपने पैसे के लिए। ये स्थिति मान्यवर आज से 12-15 साल पहले थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार की कमान संभाली तब उन्होंने पूरे चीनी के व्यवसाय में, चीनी के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन के पूरे विषय को बहुमुखी सोच के साथ अपने दूरदर्शी परिणाम को सामने रखते हुए कई सारे कदम उठाए। उदाहरण के लिए चीनी मिलों को सही दाम मिले, चीनी मिलों का जो ऋण था उस ऋण को किस प्रकार से लंबे समय दे के उसको समाप्त किया जा सके, गन्ना किसानों की भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के पास जो पैसे का अभाव रहता था उसको पूरा करने के लिए इथेनॉल को प्राथमिकता दी गई। कहाँ उस समय मात्र 1% पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती थी, आज वो बढ़कर 12% हो गई है, 1200% एक प्रकार से वृद्धि हुई है। और
इन दिनों में जिस प्रकार से इथेनॉल का तेज गति से इस्तेमाल हुआ, उससे चीनी मिलों की भी आमदनी बढ़ी, चीनी मिलें भी वायबल हो गई, उनके पास पर्याप्त पैसा आने लगा, और उसी के कारण आप देखेंगे कि गत कई वर्षों से 99% भुगतान समय पे होता है। कोई किसान का आंदोलन देश में किधर देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको अगर आंकड़े दूं तो 2013-14 में कुल जो केन का भुगतान था वो 57,000 करोड़ रुपए था, और केन ड्यूज दो दो तीन तीन साल बाद दिए जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद अगर 2022-23 का आंकड़ा देखें तो केन का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना हो गया। उसके अलावा जो वैल्यू थी गन्ना किसानों की वो 1,15,000 करोड़ रुपए हो गई, और वो 1,15,000 करोड़ में मान्यवर 1,14,000 करोड़ समय पे हो गया, 99% से ज़्यादा, और मात्र 516 करोड़ यानी 99.5% पे हो गया, मान्य 516 करोड़ सिर्फ रह गए। 3 चीनी मिले अधिकांश इसमें और यूपी की है, वो तीनों चीनी मिले, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। ये जो बात है कि गन्ना किसान को भुगतान में तकलीफ, इस पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार किया, जिस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिस प्रकार से उनको समय पे आज पूरा पैसा मिलता है, उसके कारण प्रोडक्टिविटी, उत्पादनता भी बढ़ी है गन्ना किसानों की, और देश भर में गन्ना किसानों ने, चाहे वो समय समय पर इथेनॉल का उपयोग ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट हो, अलग अलग माध्यम से, एक तरफ गन्ना किसान खुश है, दूसरी तरफ सभी कोऑपरेटिव, श्रीनिवास जी हाथ उठा रहे हैं, सभी कोऑपरेटिव मिल्स देश भर की पुनः जागृत हो गई हैं, पुनः प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई हैं, पुनः उनके कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित हो गई है, और दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री के कारण आज पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। पर्यावरण में प्रभाव हुआ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ, तो विदेशी मुद्रा में भी लाभ हुआ। तो ये जो बहुमुखी सोच है, इसके कारण आज देश तेजी से प्रगति कर रहा है, और देश के गन्ना किसान भी बहुत राजी खुशी आज इस काम के साथ जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सी थॉमस। माननीय मंत्री जी, नहीं बोल सकते सर, ये बकवास शब्द नहीं बोल सकते, ये हटा देना चाहिए, ये बकवास शब्द, ये मंत्री जी के लिए बकवास शब्द यूज कर रहे हैं, ये बकवास शब्द हटा देना चाहिए, कार्रवाई से हटा देना चाहिए। रिकॉर्ड में के लिए इन्होंने कह दिया क्या बकवास कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये बकवास शब्द हटाइए, हाँ हटाइए, बकवास शब्द हटाइए, बकवास शब्द नहीं कह सकते, ये बकवास शब्द नहीं कह सकते, ऐसे ऐसे हल्ला गुल्ला करने के बदले पहले जानकारियां निकाले। माननीय सदस्य, 22-23 का पूरे देश में मात्र 516 करोड़ बकाया है, ये जो बात कर रहे हैं ये अभी जो गन्ना खरीदा गया, ये अभी के गन्ना की बात कर रहे हैं, और अभी के गन्ना का पैसा पर्याप्त मात्रा में पे हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि नासमझी से आंकड़ों को हेर फेर कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।